नमस्ते। आज हम शरीर की तीन प्रकार की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, कफ, पित्त, वात। शरीर में बैलेंस प्रकार में पाई जाती है। अगर शरीर में प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाता है तो कई प्रकार के रोग शरीर में जुड़ जाते हैं। कफ प्रकृति का बैलेंस बिगड़ने से 28 प्रकार के रोग शरीर में जुड़ना शुरू होते हैं। वैसे ही पित्त प्रकृति का बैलेंस बिगड़ने से 40 प्रकार के 40 प्रकार के रोग जोड़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही वात प्रकार की प्रकृति का बैलेंस बिगड़ने से 80 प्रकार के रोग जोड़ना शुरू हो जाते हैं। जो प्रकृति है वो शरीर के अंग में पाई जाती है। मस्तिष्क से लेकर फेफड़े सख्त जो भाग है उसमें कफ प्रकृति पाई जाती है। फेफड़े से नाभि तक का जो भी अंग है उसमें पित्त प्रकृति पाई जाती है। नाभि से शरीर के नीचे तक का अंग उसमें वात प्रकृति पाई जाती है। ये प्रकृति समय से हिसाब से बैलेंस बनने में, बैलेंस बढ़ने में मदद करती है। सुबह का जो टाइम है, सुबह का 4 बजे से 9 बजे का टाइम, वो कफ प्रकृति का होता है। वैसे ही 10 बजे से शाम को 5 बजे का टाइम पित्त प्रकृति का होता है। 6 बजे से रात को 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो वात प्रकृति का होता है। ऐसा नहीं है अगर शरीर में इसका बैलेंस बिगड़ गया तो आपको ये 28 प्रकार के, 40 प्रकार के या 80 प्रकार के रोग हो गए ही। ये ज़रूरी नहीं है, वो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति पर निर्भर होता है कि रोग होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। नेक्स्ट वीडियो में अभी कफ प्रकृति के जो 28 प्रकार के रोग है उसमें एक प्रकार की रोग की चर्चा आयुर्वेदिक योगा प्राणायाम और मुद्रा की चर्चा करेंगे। ओके, नमस्ते।